अगर आपके भटूरे फूलते नहीं हैं तो आप ये वीडियो देखने के बाद ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा। आप ये वीडियो बिना स्किप के पूरा देखिए। ये लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए तैयार है। छोले भटूरे हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। आपने देखा ही होगा भटूरे हमारे कैसे गुब्बारे की तरह फूल के तैयार हुए थे, और मैं अब आपको भटूरे को तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा भटूरा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से छोले भटूरे बनाकर तैयार कीजिए। दावे के साथ कहती हूँ, आपके छोले भटूरे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी नई नई और मज़ेदार रेसिपी चाहिए तो आप बेल आइकन बटन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। आज हम दिल्ली की फेमस रेसिपी बनाएंगे, यानी कि छोले भटूरे बनाएंगे। ये छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम काबुली छोले लिए हैं। आपके पास जो भी छोले हो वो आप ले सकते हो। अगर काबुली छोले लिए जाए तो छोले ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब इन छोलों को हम ओवरनाइट के लिए या फिर 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। छोले मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, और छोलों के अंदर मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला था, यानी कि मीठा सोडा डाला था इसके अंदर, और ये फूल के अच्छे से रेडी हो गए हैं। छोले हमारे यहाँ पर अच्छे से फूल के रेडी हैं। अब हम इनको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। 3 से 4 बार छोले मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब हम एक कुकर लेंगे और कुकर के अंदर भीगे हुए छोले को डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, इनको भी हम छोले में ऐड कर देंगे। 2 बड़ी इलायची ली है, और साथ ही साथ 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च। अब हम छोले के अंदर 1/4 चम्मच मीठा सोडा ऐड करेंगे, और साथ ही साथ इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। छोले के अंदर अच्छा कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप के अंदर 2 टेबल स्पून चाय पत्ती डाल के उसको बॉईल कर लिया था। अब चाय पत्ती के पानी को हम छोले में छान लेंगे। सारे चाय पत्ती के पानी को मैंने कुकर में छान लिया है। अब हम छोले के अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे, और अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके और इसको 5 से 6 सीटी आने तक पकाएंगे। यहाँ पर छोले हमारे पक के तैयार हो रहे हैं, तब तक हम भटूरे के लिए डो बना के तैयार कर लेते हैं। भटूरे का डो बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में 1/2 कप सूजी लेंगे। भटूरे में सूजी ऐड करने से भटूरे हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पर उसी कप से नाप के और 1/2 कप दही ले रही हूँ। दही को भी हम सूजी में ऐड कर देंगे। अब हम दही और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सूजी हमारे अच्छे से फूल के रेडी हो जाए। दही और सूजी को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि सूजी हमारे अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। कुकर में अच्छे से 5 से 6 सीटी आ गई है, और 10 मिनट तक मैंने इसको स्लो फ्लेम पे पका लिया है। अब हम इसका प्रेशर रिलीज होने देंगे, उसके बाद इसका ढक्कन हटाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, सूजी हमारी अच्छे से फूल के रेडी हो गई है। अब हम इसमें 3 कप मैदा ऐड करेंगे। जिस कप से नाप के मैंने सूजी ली थी, उसी कप से नाप के मैं यहाँ पर 3 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। अब हम मैदा के अंदर 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, और अब साथ ही साथ इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। और अब भटूरे में हम डालेंगे मीठा सोडा, जो कि हमारे भटूरे को फुलाने में बहुत ही ज़्यादा काम करता है। लास्ट में 1 चम्मच घी डालेंगे मोइन के लिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हो
डो हमारा एकदम टाइट है, तो हम इसमें और दही ऐड करेंगे। ये घर का जमाया हुआ दही है। दही हमें थोड़ा थोड़ा लेके आटा गूंथना है, एक साथ हम ज़्यादा दही नहीं ऐड करेंगे। भटूरे के लिए डो हमें एकदम सॉफ्ट लगा के तैयार करना है। जितना अच्छा डो हम लगाएंगे उतने अच्छे हमारे भटूरे बनके तैयार होंगे। अब डो को मैंने पूरा अच्छे से समेट लिया है, इसको हम गूंथेंगे नहीं। ये छोले भटूरे हम हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं, तो हलवाई भी डो को समेट के और 25 से 30 बार ऐसे उठा उठा के पटकते हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। इसको 25 से 30 बार ऐसे उठा के गिराएंगे। डो को मैंने यहाँ पर 25 से 30 बार ऐसे पटक लिया है। अब हम डो को आधे घंटे के लिए कपड़े से ढक के रख देंगे। जब तक डो हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम छोले बना के तैयार कर लेंगे। छोले हमारे उबल गए हैं और छोलों से पूरा प्रेशर भी निकल गया है। अब हम छोले को चेक कर लेंगे, कुकर का पूरा प्रेशर निकल गया है। ये देखिए छोले हमारे अच्छे से उबल के तैयार हैं। आप देख पा रहे होंगे छोले यहाँ पर अच्छे से मैश हो रहे हैं। अब हम छोले का तड़का बना के तैयार करेंगे। छोले में ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, दो मीडियम साइज़ के टमाटर, एक छोटा अदरक का टुकड़ा और साथ ही साथ 4 से 5 हरी मिर्च। अब हम इनको मोटा मोटा काट के और मिक्सर जार में डाल के और ग्राइंड कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी डाल के और प्याज हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। प्याज हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बन के तैयार है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और अब उसी मिक्सर जार में दो मीडियम साइज़ के जो टमाटर लिए थे उनको मोटे मोटे पीसेस में चॉप कर लिए हैं, इनको भी डाल के और ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर को ग्राइंड करते टाइम हम इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे हमारे छोले में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब हम टमाटर को पीसते टाइम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर के अंदर पहले से ही पानी होता है। टमाटर का पेस्ट पीस के तैयार है। अब हम छोले बनाने के लिए कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे। तेल अच्छे से धुआंधार गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, साथ ही साथ इसमें 1/4 चम्मच हींग। और अब हमने जो प्याज हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना के तैयार किया था उसको डालेंगे। प्याज हरी मिर्च और अदरक को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर की ग्रेवी डालेंगे। और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि हमने छोले के अंदर हरी मिर्च भी ऐड की है तो मैं यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च कम यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं इसमें फिर से 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास छोले मसाले हो तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने छोले उबालते टाइम भी नमक डाला था, इसलिए नमक का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। अब हमें मसालों को यहाँ पर तब तक भूनना है जब तक कि इनसे ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। मसाले हमारे यहाँ पर अच्छे से भुन गए हैं, आप देख पा रहे होंगे मसालों से अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है। अब हम इस स्टेज पर अब हम उबले हुए छोलों को मसालों के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर जो पानी है उसी को भी इसी में ऐड कर देंगे। अब हम छोले को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे छोले के ऊपर से हमने पानी ऐड नहीं किया है, जो उबला हुआ छोलों का पानी था वही हमने इसमें मिक्स किया है।
और आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी छोले की आई है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोलों को पकाएंगे, उसके बाद छोले हमारे बनके रेडी हो जाएंगे। छोले हमारे बनके रेडी है, आप देख पा रहे होंगे छोले की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है। भटूरे के साथ हमें ऐसे ही छोले चाहिए। अब इन छोलों को हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। 25 से 30 मिनट हो गए हैं, अब हम भटूरे के डो को चेक कर लेंगे। ये देखिए डो हमारा अच्छे से फूल के रेडी हो गया है। अब हम इसे बाउल में से निकाल लेंगे और इसको अच्छे से मसल मसल के और तैयार करेंगे। हम डो को जितना अच्छे से मसलेंगे उतने ही अच्छे से हमारे भटूरे बनके तैयार होंगे। अब हम डो के ऊपर 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल को डो के ऊपर चारों ओर अच्छे से लगा लेंगे और इसको अच्छे से मसलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, भटूरे के लिए डो बनके तैयार है। आप डो को देख पा रहे होंगे कितना स्मूथ डो लग के तैयार हुआ है। भटूरा बनाने के लिए परफेक्ट डो बना के तैयार कर लिया है। अब हम भटूरा बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी लोई तोड़ के तैयार करेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे कपड़े से ढक देंगे। अब हम लोई को दोनों हाथों के बीच में लेके और अच्छे से दबाते हुए प्रेस करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमें लोई को बनाना है। अब हम लोई के ऊपर कोई सूखा मैदा या आटा नहीं लगाएंगे, हम ऑयल लगा के इसको बेलेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से ही चकले के ऊपर ऑयल लगा रखा था तो ये अच्छे से ऑयल लग गया इसके ऊपर। अब हम भटूरे को बेल लेंगे। भटूरे को हमने लंबाई में बेल लिया है ओवल शेप के अंदर। ऑयल हमने यहाँ पर पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा धुआंधार गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर भटूरा डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे गुब्बारे की तरह फूल के हमारा भटूरा तैयार हुआ है। अब हम भटूरे को प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा भटूरा बेल के तैयार करेंगे। यहाँ पर भटूरे को आप गोल शेप या ओवल शेप में बेल के तैयार कर सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ पर भटूरे को ओवल शेप में बेल के तैयार कर रही हूँ। अब हम भटूरे को धुआंधार गरम तेल में डाल देंगे। भटूरे को कलची से ऐसे प्रेस करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी नज़रों के सामने रिजल्ट है। कितना अच्छा बलून की तरह भटूरा फूल के तैयार हुआ है और ये भटूरे बहुत ही अच्छे बनके तैयार हो रहे हैं। हर एक भटूरा गुब्बारे की तरह फूल के तैयार हो रहा है। पहला भटूरा भी ऐसे ही फूला, दूसरा भी ऐसे ही फूला है और मैं आपको तीसरा भटूरा और दिखा रही हूँ। तो अब हम दूसरे भटूरे को भी प्लेट में रख देंगे और ये लीजिए, आप देख पा रहे होंगे कैसे गुब्बारे की तरह फूल के हमारे भटूरे तैयार हैं। अब हम तीसरा भटूरा बनाने चलते हैं। भटूरे को तलते समय हम कलची से हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे ताकि भटूरा हमारा अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का भटूरा भी हमारा कितने अच्छे से फूल के तैयार हुआ है। अब हम भटूरे को प्लेट में निकाल लेंगे। आज के बाद आपकी हर भटूरा फूल के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोले भटूरे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए।